बात करते हैं चांडिल पुलिस द्वारा चोरी के डीजल व कार के साथ दो चोरों को पकड़े जाने की। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल पुलिस ने गुरुवार तड़के थाना क्षेत्र के करंडी में NH-33 के किनारे खड़े ट्रक से डीजल की चोरी करने के आरोप में दो चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक चालक की शिकायत पर छापामारी कर कुछ ही घंटों में चोरी के 40 लीटर डीजल, 2 मोबाइल फोन व 1 कार भी जब्त कर ली है। बताते चले कि विगत कुछ समय से चांडिल थाना क्षेत्र में NH-33 के किनारे खड़े वाहनों से डीजल एवं पुर्जों की चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इसी बीच बुधवार की देर रात चांडिल थाना क्षेत्र के करंडी में NH के किनारे खड़े ट्रक से डीजल की चोरी हो गई। गाड़ी के ट्रक के चालक की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चांडिल पुलिस ने कुछ ही घंटों में दो चोरों को चोरी के डीजल एवं एक कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। चांडिल SDPO संजय कुमार सिंह ने चांडिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में चांडिल के भुइयाडी निवासी निरंजन उर्फ साधु लायक एवं चक्रधरपुर स्थित चेलाबेड़ा का निवासी कार्तिक नायक शामिल है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि निरंजन उर्फ साधु लायक इससे पूर्व भी 2014 में डीजल चोरी के मामले में जेल जा चुका है। ये लोग हाईवे में रात में खड़े वाहनों से डीजल और पेट्रोल की चोरी करते थे। पुलिस इस मामले की अग्रेतर जांच कर रही है। इधर कुछ दिनों से हाईवे में खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी क्रम में आज सुबह जो है थाना प्रभारी को डीजल चोरी करने वाले गिरोह के घूमने की जानकारी मिली। इसी सूचना के आधार पर थाना प्रभारी चांडिल अपने अन्य पदाधिकारी बल के साथ प्रभावित क्षेत्र में गए और वहां पे जाके सूचना प्राप्त कर डीजल चोरी करते रंगे हाथ दो अपराध कर्मियों को डीजल सहित पकड़े हैं। और इसमें चोरी करने में इनके द्वारा एक इग्निस कार J05BY1477 पकड़ा गया है। चोर जो है ये लोग काफी मतलब अकट मचाए हुए थे, कहीं भी रात्रि में गाड़ी खड़ा करके कोई ट्रक ड्राइवर खलासी खड़ा होने पर उस ट्रक को ये लोग शिकार बनाते थे और उसके टैंकी से डीजल बड़ी चालाकी से निकाल के निकल चल जाते थे। और दिन भर की ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।